हम जब अपने जीवन में एक हमसफर ढूंढते हैं तो कैसा हमसफर ढूंढते हैं? वही ना जो हमारी सारी अनकही बातें सुन ले और जिसको सब पता हो हमारी पसंद नापसंद, हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। वैसे सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के अबीर को तो ऐसा हमसफर मिल ही गया है। शादी के पहले ही देखो मिष्टी ने अबीर की खुशियों की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मिष्टी के सामने आया अबीर के पापा का सच। अबीर के पापा हुए मिष्टी के घर से गायब। अपने ही पति की दुश्मन निकली मीनाक्षी। मिष्टी को पता चल गया है कि मेहुल जी ही अबीर के पापा हैं, लेकिन इससे पहले कि मिष्टी अबीर को उसके पापा से मिलवा पाती, मेहुल मिष्टी का घर छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, हम सबको पता है कि वो अबीर के पापा हैं। अभी तक मिष्टी को ये बात पता नहीं, और जब ये पता चलेगी तो एक बहुत बड़ा सदमा लगेगा मिष्टी को, और ये भी होगा कि वो घर से भाग गए हैं तो मिष्टी उन्हें ढूंढने निकल जाएगी। एक्चुअली मुझे अब पता चल गया है कि जो अंकल है वो मीनाक्षी आंटी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, या बात भी हुई होगी, लेकिन अभी तक श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने मीनाक्षी जी को फ़ोन क्यों किया या उन्होंने ही किया था। सो थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है यहाँ पे, लेकिन इसी बीच में मुझे अबीर का भी फ़ोन आ जाएगा और मुझे एक क्लू मिलेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू, जिससे मुझे पता चलेगा कि वो अंकल है वो कौन है। सो इट विल बी अ बिग शॉक फॉर मी। मेहुल के अचानक घर से गायब होने पर घर में कोहराम मच गया और मिष्टी उनकी तलाश में घर से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ मेहुल मिष्टी के घर से निकलकर अबीर से मिलने राजवंश सदन पहुंचा है, जहां मीनाक्षी को उसके आने की भनक लग जाती है। मीनाक्षी मेहुल को अबीर से दूर रखना चाहती है और अपनी इस कोशिश में वो किसी भी हद तक जा सकती है। वैसे सास बहु और बेटियां को मिली जानकारी के मुताबिक अबीर के जन्मदिन पर मिष्टी अबीर को उसके पापा से मिलवाएगी और उसे सरप्राइज करेगी, और इस इमोशनल पल में आएंगे कौन कौन से नए ड्रामे, ये देखना दिलचस्प होगा। ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट बर्थडे होगा अबीर, आई प्रॉमिस। आज तक ब्यूरो। हैप्पी बर्थडे अबीर, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।